मोबाइल खराब होने के कारण ये थोड़ा लेट हो गया वीडियो ले। मैंने तो मोबाइल तो कभी खोला नहीं था, लेकिन तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। हमारा मोबाइल खराब होने के कारण ये थोड़ा लेट हो गया वीडियो, लेकिन नहीं तो सेकंड वीडियो थोड़ा जल्दी ही करना था, यानी कि सेकंड ब्लॉग करना था, लेकिन ये स्टोरी अब उसकी पहले आएंगी। कोई बात नहीं, पहला व्लॉग नहीं हुआ वायरल, नहीं आए न्यूज़ ज़्यादा, तो छोड़ेंगे तो नहीं है, करना तो है ही। तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिए और इसको भी जरूर सपोर्ट करिएगा। तो मोबाइल सिर्फ दो है, भैया का मोबाइल जब जब मिला तब तक मैंने शूट करने की कोशिश करी है। मैं चाहता था कि इस मोबाइल ख़राब हुआ तो उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं बताऊँ आपको, तो इसलिए पूरी तो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि तो बस 5-10 मिनट के लिए जब घर आते थे तब मुझे वो मोबाइल मिलता था। तो मैंने कोशिश करी है शूट करने की और तब मैंने ये शूट करा है, लेकिन पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल या कोई कैमरा नहीं था। तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं कि शूट कर पाएंगे, मोबाइल कैसे रिपेयर किया, कैसे क्या किया। आप फाइनली मोबाइल अपना शुरू हुआ और ये अभी ये वीडियो अपने मोबाइल से ही शूट हो रहा है, तो आप जरूर देखिएगा। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि सेकंड वीडियो बनाया जाए, तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अपना मोबाइल बंद हो जाता है और अचानक से उसमें रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, और क्या करे क्या नहीं करे के समझ नहीं आता, और बार बार उसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं होता। थोड़ा सा ओपन हो जाने के बाद वो फिर से स्विच ऑफ हो जाता, तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। तो मैं एक डिसीजन बना लेता हूँ कि उसको सर्विस सेंटर जाके देखा देते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो चुकी है। तो मैं निकल जाता हूँ अपने स्प्लेंडर लेके सर्विस सेंटर की तरफ, तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी समझ में आ जाती है मुझे। मैंने थोड़ा ऑनलाइन वगैरह देख के ऐसे प्रॉब्लम कैसे आती है, तो थोड़ा रिसर्च वगैरह थोड़ा करके मैं सर्विस सेंटर के लिए निकल जाता हूँ। और जाते जाते अपने भाई का मोबाइल अपने अमाउंट पे लगाता हूँ, थोड़ा शूट करने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा वीडियो शूटिंग करने की उसकी। लेकिन आगे जाके एक नई मुसीबत आ जाती है कि जो मोबाइल मैंने साथ में भैया का जो मोबाइल मैं साथ में लेके जाता हूँ, उस मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम होती है। मोबाइल लेके तो सर्विस सेंटर के लिए मैं निकलता हूँ, लेकिन बीच रास्ते में ही मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है और मोबाइल डेड हो जाता है, यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है, तो आगे की स्टोरी शूट नहीं कर पाता। स्टोरी थोड़ी अधूरी रह चुकी है वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों सर्विस सेंटर जाके क्या अपने प्रॉब्लम का हल निकलता है या नहीं निकलता, तो अभी सर्विस सेंटर जाके ही पता लगेगा। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पहले से ही मैंने रिसर्च करा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, नहीं तो वो सर्विस सेंटर वाले यहाँ के कुछ भी बता के और ज़्यादा चार्ज करते हैं, और देखते हैं कैसा होता है। तो सर्विस सेंटर तो मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चार्ज बोलते हैं मोबाइल के लिए, मतलब मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च करता हूँ कि मोबाइल को प्रॉब्लम क्या आई, तो प्रॉब्लम निकलती है बैटरी में
एक छोटा सा रजिस्टर होता है जो फ्यूज़र होता है, तो वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है, वो फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो जाता है। तो उससे सिर्फ छोटा सा एक शोल्डरिंग करना होता है, तो अगर वो करे तो मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, ये मुझे पता चलता है। तो मैं सर्विस सेंटर जाके पूछता हूँ कि ये प्रॉब्लम ठीक कराने में कितना खर्च जाएगा, तो वो बताते 1000 रुपये तक आ जाएगा मोबाइल खोलने का ही। तो और उसकी बैटरी ही मोबाइल की लगभग 1500 की है, और मुझे लगता है शोल्डरिंग तो मैं थोड़ी थोड़ी पहले से ही जानता हूँ, तो मैं मुझे लगता है बाद में लगता है कि मैं चलो मैं ये घर में ही ठीक कर लूँगा। मैंने तो मोबाइल तो कभी खोला नहीं था, लेकिन पहली बार खोलने वाला था, डर भी लग रहा था और मोबाइल को कुछ दूसरा प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है चलो मैं ही खोल लेता हूँ। तो मैं आते वक्त शोल्डरिंग मशीन साथ में लेके आता हूँ, क्योंकि शोल्डरिंग मशीन तो मेरे पास होती नहीं है घर में, खाली एक टूल किट होता है छोटे नट्स खोलने का, तो शोल्डरिंग मशीन लेके आता हूँ और मैं वो मोबाइल को ठीक कराने की कोशिश करता हूँ, मतलब खोलता हूँ और उसे छोटा सा शोल्डर कर देता हूँ यानी। तो मोबाइल को ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ अपने ड्रायर मशीन और उससे हीट देता हूँ मोबाइल को, क्योंकि हीट देने नहीं दिया तो वो नहीं खुलेगा, वो पैनल बहुत ज़्यादा पक्का होता है। तो हीट देने के बाद मैं वो पैनल खोल लेता हूँ और अंदर बैटरी का जहाँ पे वो फ्यूज़र होता है वो फ्यूज़ देखता हूँ जहाँ का वो डेड हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे 5 मिनट के लिए मोबाइल भैया घर आए तो मोबाइल मिला था, तो उतने में थोड़े सी ये शूट कर लेता हूँ और वो बाद में चले जाते हैं, तो बाकी का मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। तो ये मैंने थोड़ी छोटी सी तस्वीर छोटा सा वीडियो लिया था पास से, लेकिन वो अच्छा नहीं आता। और फाइनली मैं शोल्डरिंग करके मोबाइल अपना पैक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मोबाइल चालू होता कि नहीं, लेकिन मोबाइल पूरा शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने घर में ही मोबाइल शुरू कर दिया हम। और उसका पैनल थोड़ा सा मैं लगा लेता हूँ अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है अपना मोबाइल। अपने पैसे तो बच गए कम से कम 1500 रुपये, तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो जल्दी ही कर लेते हैं, अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।